नमस्कार एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो बर चार्ट एनालिसिस के सीरीज में आज जो हम लोग चार्ट लेने वाले हैं वो योगी आदित्यनाथ का है। तो आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दिस और फिर मुझे पीवीआर नरसिम्हा राव जी का एक वीडियो मिला जिसमें उन्होंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सो टेकिंग दैट एज रेफरेंस आई विल बी इलस्ट्रेटिंग योगी आदित्यनाथ चार्ट और उसके बेसिस पे हम लोग चार्ट एनालिसिस करके फिर आगे देखते हैं कि क्या कुछ है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर आप ये चार्ट को देखें तो इट्स अ कैंसर असेंडेंट चार्ट, कर्क लग्न का चार्ट है और लग्नेश यहाँ पे टॉरस साइन में जाकर के यहाँ पे उच्च का हो जाता है विद सैटर्न। अच्छा, इसका एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन आता है जब भी आप देखिए कि लग्नेश लग्न का स्वामी जब भी एकादश भाव में चले जाए और उसके साथ शनि हो तो इसका मतलब ये कि ये तो राइज तो करेंगे बट विथ हार्ड वर्क। सैटर्न क्या है, क्योंकि एट लॉर्ड हो जाता है, एट लॉर्ड होने के कारण यहाँ पे ये हार्डवर्क काफ़ी ज़्यादा डिमांड करता है, हार्डवर्क और एक तरह से कंप्लीट डिटैचमेंट। तो डिटैचमेंट इन द सेंस यहाँ पे तो केतु है लग्न में, विच मीन्स दैट थ्रू आउट द लाइफ आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ अगर लग्नेश भी सैटर्न के साथ आ जाता है या सैटर्न के साथ उसका परस्पर दृष्टि संबंध हो जाता है तो उससे ये भी यही पता चलता है कि आपको हार्डवर्क थ्रू आउट द लाइफ करना पड़ेगा। बट विद दैट यहाँ पे एक और चीज़ देखिए कि लग्नेश अष्टमेश इन दोनों की युति है यहाँ पे, तो मतलब हार्ड वर्क तो है ही और खास करके शनि है तो विच विल बी अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। बट एट द सेम टाइम विच मीन्स दैट ही विल बी अ वेरी टफ कैरेक्टर, क्योंकि चंद्रमा जब भी शनि के साथ होता है तो आदमी को बहुत ज़्यादा टफ बना देता है अंदर से और आदमी बहुत सारे टफ डिसीजंस ले सकता है, तो विच इज़ अ गुड थिंग। तो ये तो है कि ये थ्रू आउट द लाइफ राइज करते रहेंगे। तो अभी जैसे इनका एक इलेक्शन गया है विथ विच ही हैज़ परफॉर्म्ड वेरी वेल, उसके आगे आने वाले टाइम में भी ये काफ़ी अच्छा करेंगे एंड थ्रू आउट द लाइफ ये ग्रो करेंगे, तो लाइफ में कभी डाउनफॉल नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर आप एक दूसरा योग भी यहाँ देखें तो जुपिटर जो कि भाग्य का स्वामी है वो यहाँ पर चंद्रमा को दृष्टि दे रहा है, जिसके कारण होता क्या है, और यहाँ पर जुपिटर मरकरी बुध और बृहस्पति दोनों साथ में हैं, दोनों साथ में मिलकर के यहाँ पे दृष्टि दे रहे हैं। एक चीज़ मैंने बहुत सारे कुंडलियों में ही आपको बताया था, जैसे सौरभ गांगुली की कुंडली में और शाहरुख खान की कुंडली में, अगर लग्नेश का किसी भी तरह से बृहस्पति के साथ कोई संबंध बन जाता है तो ये एक बहुत अच्छा योग बनता है आपके चार्ट में कि आप कुछ ना कुछ एक मेजर हेल्प आपको जीवन में मिलता रहेगा जिसके कारण आप जीवन में प्रगति बृहस्पति के साथ कोई संबंध बनता तभी जाकर के ये योग बनेगा। तो यहाँ पे भी वही है, और अगर आप मोदी जी की कुंडली भी अगर देखें तो वहाँ पे भी वही योग बन रहा है कि उनका भी जो लग्नेश है, लग्नेश शुक्र एकादश भाव में एकादश भाव में ही बैठा है शनि के साथ और वहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि है। सेम इनके चार्ट में भी वैसा ही हो रहा है कि लग्नेश यहाँ एकादश भाव में शनि के साथ और यहाँ पे जुपिटर की दृष्टि। ऐसा होता क्या है कि अगर आपका लग्नेश शनि के साथ हो जाए या लग्न में शनि का प्रभाव हो तो ऐसा होता है कि ऐसे लोगों को जीवन के शुरुआती दिनों में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो ये अगर आप महेंद्र सिंह धोनी की कुंडली में देखेंगे, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में देखेंगे और यहाँ योगी आदित्यनाथ की भी कुंडली में देखेंगे तो ये पैटर्न आपको हर जगह मिलेगा। ये एक मेजर चेंज। और उसके बाद एक और अगर आप राजयोग यहाँ पे कंसिडर करें तो जो पंचम का स्वामी है वो यहाँ पे जा करके भाग्य में बैठा है, जो कि अपने आप में एक और बहुत अच्छा योग बनता है। ओवरऑल अगर इनके चार्ट को देखा जाए तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आपको एक क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है, वो तो ये कि ये थ्रू आउट द लाइफ राइज करते रहेंगे। इनको सेटबैक अगर हो तो ज़्यादा कोई खास नहीं है, थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म होगा लेकिन मेजर कोई सेटबैक नहीं होगा, ये थ्रू आउट द लाइफ अपना राइज करते ही रहेंगे। और बेसिकली अभी जिस स्टेज पे है सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश, इसके बाद भी इनको काफ़ी ज़्यादा ग्रो करना है, इसके बाद भी काफ़ी अच्छा फॉर्म करेंगे। यहाँ पे अगर आप नवमांश के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पे जो इनका चंद्रमा है वो नवमांश में जाकर के उच्च का हो गया, विच इंडिकेट्स अ वेरी हाई डिग्निटी। जुपिटर भी यहाँ पे स्वराशि में है नवमांश में, विच इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन। ओवरऑल अगर आप इनके नवमांश के चार्ट को भी देखें तो विच इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन। एक चीज़ यहाँ पे जो आपको हर जगह दिखता है वो ये है कि लग्न कुंडली में यहाँ पे राहु, सप्तम भाव में राहु
और लग्न केतु एक तरह से ये डिटैचमेंट का तो योग बन जाता है यहाँ पे। अगर और एक और चीज अगर आप देखें तो यहाँ पे सप्तम भाव में राहु, ये अगर इस तरह का योग बनता है तो विच इज अ काइंड ऑफ अ क्लियर इंडिकेशन कि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होता या फिर उससे आपको वंचित रहना पड़ता है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो जो सप्तमेश है वो बारहवें में जाकर बैठा है और शनि की दृष्टि है यहाँ पे, तो एक तरह से ये एक योग बना देता है संन्यास योग। उससे ज़्यादा मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो कारण था विच इज़ दी सेंस ऑफ आयर पर्पस, जीवन में अगर कुछ और बहुत बड़ा अचीव करना होता है तो उस केसेस में होता क्या कि आपका जो एम्बिशन है वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि आपके पास पर्सनल लाइफ के लिए टाइम नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो उस केसेस में भी ऐसा होता है कि आपका पर्सनल लाइफ नहीं है, आपका एम्बिशन इतना बड़ा है कि आपको और कुछ नहीं चाहिए। तो ये एक मेजर कारण था जहाँ पे ये भी दिखा कि हाँ इनका पर्सनल लाइफ कुछ होगा नहीं, इट इज़ ऑल डेडिकेटेड फॉर पब्लिक सर्विस। अब यहाँ पे आगे आते हैं, यहाँ पे अगर आपको याद हो तो 2017 के आसपास, 2017 में इन ये पहली बार यूपी के प्रधानमंत्री सॉरी चीफ मिनिस्टर बने थे। तो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद फिर यहाँ पे इनको राहु की दशा शुरू हो गई थी, सो विच इज़ अ काइंड ऑफ गुड फेस। और यहाँ पे एक चीज़ देखें तो चंद्रमा से अष्टम में शनि चल रहा था इनका। जब भी अष्टम का शनि होता है चंद्रमा से तो ये इंडिकेट करता है कि आपको शनि की ढैया चल रही है, विच इज़ अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। और यहाँ पे शनि कहाँ चल रहा था, धनु राशि में, विच इज़ अ वेरी धार्मिक साइन। तो एक तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन था कि हाँ समथिंग रिलेटेड टू धर्म और समथिंग रिलेटेड टू जो अपना विच इज़ योर रूट्स, तो उससे रिलेटेड ये कुछ काम करेंगे, सो विच वॉज क्वाइट वेल इंडिकेटेड। और एक और चीज़ होता है कि अगर आपके कुंडली में बहुत अच्छा योग बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे बन रहा था कि इनको लाइफ में राइज करना ही है, तो शनि का जो ढैया होता है वो एक तरह से आपके लाइफ में कैटलिस्ट की तरह काम करता है, विच मीन्स कि आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे पुश करने वाला है। तो 2017, 18, 19 ये जो तीन साल थे यहाँ पे शनि के ढैया चल रहे थे, पार्ट ऑफ 17, फुल 18, फुल 19, तो ये था। और उसके बाद जैसे आप देखें 19 ख़त्म होता है, फिर यहाँ पे कोविड वाला फेज शुरू हो जाता है, विच वॉज टफ टाइम, जो कि काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ वाला था। लेकिन उसके बाद भी फिर यहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं ये इलेक्शंस में और आके जीत भी जाते हैं। यहाँ से जो मेजर टर्निंग पॉइंट होगा इनके लाइफ का वो होगा 2026 के आसपास। 2026 में यहाँ पे उम्मीद है कि इनको बहुत बड़ा एक स्टेटस और बहुत बड़ा पोजीशन मिलने वाला है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वीनस जो अगर आपके लाइफ में आता है तो वो कुछ बड़े लेवल पर आपका करवाता है, कुछ बड़े लेवल पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। सेकेंड थिंग, मैंने एक और चीज़ देखा है कि कभी भी कोई प्रधानमंत्री बनता है या फिर कोई एक बहुत बड़ा पोजीशन अगर वो होल्ड करता है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसको साढ़े साथ ही चल रही होती है। जितने भी बड़े बड़े लीडर्स आए, जैसे आप देखिए कि सौरव गांगुली जब टीम के कैप्टन बने थे तो उनको साढ़े साथ ही चल रही थी, जब महेंद्र सिंह धोनी टीम के कैप्टन बने तो उनको साढ़े साथ ही चल रही थी, नरेंद्र मोदी जब वो प्रधानमंत्री बने तब उनको साढ़े साथ ही चल रही थी। यहाँ पे भी वही फेज अब रिपीट होने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखें तो शनि यहाँ पे आ गया कुंभ राशि में, ढाई साल यहाँ, ढाई साल यहाँ, उसके बाद यहाँ, तो अभी से ठीक 5 साल बाद बहुत ही अच्छे योग है कि ये फिर एक लेवल ऊपर चले जाएंगे। 5 साल बाद बहुत ही अच्छे योग है कि शायद ये प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनेंगे, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि राइज करने का तो योग है, तो अभी वो योग नहीं आ रहा, 5 साल बाद जब इनको साढ़े साथ ही हिट करेगा उस टाइम ये काफ़ी ज़्यादा राइज करने वाले हैं। तो ऑल इन ऑल चार्ट काफ़ी अच्छा है, प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा होगा। एंड एज अ सेड कि 2026 से लेकर के 2029 ये जो 3 साल का जो इनका फेज़ है, इनमें ये काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करने वाला है। एंड पॉसिबली जैसे इनको ये साढ़े साथ ही हिट करता है, जैसे ही शनि यहाँ मेष राशि में आता है, वैसे ही इनके चांसेस बढ़ जाते हैं टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। सो दैट वॉज ऑल एनालिसिस फॉर मी। लेट मी नो इफ यू वॉन्ट टू हेयर समथिंग एल्स। इनके चार्ट एक और डिटेल एनालिसिस करने वाला हूँ फिर, तो लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।